हेलो फ्रेंड, विधिकांचल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो रिस्पोंडेंस के महत्वपूर्ण सवाल नंबर चार को, जो कि है कैल्सन के विशुद्ध विधि के बारे में। कैल्सन प्योर लॉ के बारे में हम इस वीडियो में जानने और समझने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि जो रिस्पोंडेंस के एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हर साल ये सवाल आता ही है, जो भी सेमेस्टर हो या जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं, जो ईयरली हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उनको इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना चाहिए। मैं आपको साथ में बता दूं कि मैं तीन वीडियो ऑलरेडी जो महत्वपूर्ण सवाल पे है, जो कि पहला अधिपत पोजीशन, दूसरा विधिक व्यक्ति जो लीगल पर्सनालिटी, और तीसरा जो दायित्व लाइबिलिटी के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख और सुन सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने विधि ज्ञान चैनल के माध्यम से आपके एग्जाम से जो भी महत्वपूर्ण सवाल है उसको मैं लेकर आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, ताकि आप एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज इस टाइम बंद है, और जैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज खुलेंगे, सबसे पहले हम लोगों के ऊपर एक दबाव आएगा कि हम एग्जाम की तैयारी कितना जल्दी कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने विधि ज्ञान चैनल के माध्यम से बहुत सारे सब्जेक्ट को, कम से कम 10-10 क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको समझने का मौका मिले कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इस वीडियो में कैल्सन के विशुद्ध विधि के बारे में जानते हैं। मैं साथ में बता दूं कि मैं जो आप एग्जाम में जो लिख सकते हो, जो करेक्ट जो चीज लिख सकते हो, उसी के बारे में बताता हूं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताता। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से अंत तक सुना। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप बताया कीजिए कि आप लोगों को कितना महत्वपूर्ण रहा है वीडियो, क्योंकि मैं आपके एग्जाम से जुड़े हुए, आपके एग्जाम के रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि अगर आपके सामने अगर कैल्सन के विशुद्ध विधि के बारे में पूछा जाए तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं। विधि शास्त्र के विश्लेषण विचारधारा के समर्थकों में कैल्सन का नाम भी उल्लेखनीय। कैल्सन तथा उनके समर्थकों को सामूहिक रूप में विधि शास्त्र के वियना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है। कैल्सन का विधि सिद्धांत विधि शास्त्र में दो बिंदुओं से महत्वपूर्ण माना गया। प्रथम यह कि इसे विश्लेषण पद्धति के विकास की चरम सीमा माना गया। दूसरा यह कि इस सिद्धांत में 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में विधि के प्रति अपनाई जाने वाली नीति का स्पष्ट दिग्दर्शन होता है। वस्तुतः कैल्सन और ऑस्टिन के विधि संबंधी विचारों में निकट साम्य है, परंतु कैल्सन ने अपनी विचार पद्धति को कांट के विधि दर्शन पर आधारित किया है, जबकि ऑस्टिन की विश्लेषण पद्धति मूलतः बेंथम के उपयोगितावाद पर आधारित थी। अब इसके बाद हम सबसे पहले जानते हैं विधि का विशुद्ध सिद्धांत के बारे में। विशुद्ध विधि सिद्धांत का केंद्र बिंदु मानकों की व्युत्पत्ति पे है। उन्होंने विधि क्रम को मानकों का स्तूप माना है। उनके विधि सिद्धांत को भली भांति समझने को मानकों का स्तूप माना है। उनके विधि सिद्धांत को भली भांति समझने के लिए सर्वप्रथम विज्ञान और विधि के आधार स्रोत के भेद को समझ लेना परम आवश्यक है। विज्ञान का आधार स्रोत जबकि प्राकृतिक विज्ञान है, जबकि विधि का आधार स्रोत विधि शास्त्र है। विज्ञान का आधार स्रोत हमें कार्य और कारण के संबंधों का ज्ञान कराता है, जब उन बातों से संबंधित है जो कार्य और कारण के रूप में घटित हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यह बतलाता है कि ऊपर फेंकी गई कोई भी वस्तु नीचे अवश्य गिरती है, अर्थात विज्ञान का आधार वाक्य किसी भी कार्य का अनिवार्य रूप से घटित होना सूचित करता है। इसे कैल्सन ने जो है कहा है। इसके विपरीत विधि के आधार स्रोत का संबंध इस विषय से है कि किसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए, अर्थात किससे क्या घटित होना चाहिए। इस चाहिए को कैल्सन ने सोलन कहा है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। कैल्सन के सिद्धांत का निचोड़ यह है कि वह प्राकृतिक विज्ञान कारणता से संबंधित है, जबकि विधि जो एक सामाजिक विज्ञान है मानक तत्व से संबंधित है। परंतु कैल्सन आगे स्पष्ट करते हैं कि विधि के इस चाहिए और नैतिकता के चाहिए में अंतर है। विधि के अंतर्गत चाहिए के पीछे राज की शक्ति कार्य करती है। इस प्रकार कैल्सन के अनुसार विधिक मानक और नैतिक मानक में अंतर है। नैतिक मानक एक उदाहरण यह है कि सभी को सदैव सच बोलना चाहिए। कैल्सन के उपयुक्त तर्क का आशय कदापि नहीं है कि वे नैतिक चाहिए के अस्तित्व को नकारते हैं। उनका कथन केवल यह है कि विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए से अलग रखना उचित होगा। यह संभव है कि कुछ ऐसे विधिक चाहिए हो जिनका उद्गम नैतिक
चाहिए से ही हो, परंतु कानून के अध्ययन के लिए हमें स्वयं को केवल विधिक चाहिए तक ही सीमित होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केल्सन के अनुसार विधि को न्याय के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि कुछ कानून अन्यायपूर्ण होते हुए भी विधि की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। केल्सन के अनुसार न्याय एक अतार्किक आदर्श है, अतः इसे तर्क के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता। केल्सन ने विधिक चाहिए और नैतिक चाहिए के अंतर को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रथम को सारे जगत से प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि यह वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है, परंतु द्वितीय अर्थात नैतिक चाहिए स्वयं के मूल्यांकन पर आधारित होने के कारण उसका स्वरूप आत्मनिष्ठ होता है, यानी सब्जेक्टिव होता है। दूसरे शब्दों में नैतिक चाहिए को ब्रह्म वस्तु से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अपितु व्यक्तिक भावना और विचारों से प्राप्त किया जाता है। विधिक चाहिए का मुख्य तत्व उसमें सन्निहित शासित है, जिसका आस ऐसे दंडाधेश से है जो किसी कृत को करने या न करने की दशा में प्रदान किया जाता है। उदाहरण के लिए, विधि का यह नियम है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। यहाँ दंड की शासित इस नियम को वैधता प्रदान करती है, परंतु केल्सन के अनुसार शासित का अपना कोई पृथक अस्तित्व नहीं है, वह स्वयं अपने नियमों पर आधारित है। जैसा कि एक नियम यह कहता है, दंडित किए जाने के पहले अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर दूसरा नियम यह कहता है कि अदालत के समक्ष उसकी सुनवाई की जानी चाहिए। एक अन्य नियम यह कहता है कि अभियुक्त के दंड को कुछ अन्य अधिकारियों द्वारा ही कार्यान्वित किया जाना चाहिए। तो अभी अपने इस वीडियो में केल्सन के विशुद्ध विधि के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरा विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिएगा। आपको मेरे इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।